OnePlus 8 Pro आ चुका है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में। और आज हम आपको दिखाएंगे क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ OnePlus 8 Pro और साथ ही साथ इसके जो मेजर फीचर्स हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे OnePlus 8 Pro को लेके आने के लिए और आज हमारे पास ये डिवाइस आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, जो हम वीडियोस लाएंगे इसके पूरे डिटेल कंपैरिजन, साथ ही साथ कैमरा में कैसा परफॉर्म करता है, और दोस्तों हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे तक देखते रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने एकदम क्विक अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया OnePlus 8 Pro का। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ग्लेशियल ग्रीन कलर का जो वेरिएंट है हमारे पास, ये दोस्तों 8GB 128GB का स्टोरेज है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो खास बात है इस फोन की, जैसे कि आप पीछे की ओर देख सकते हो, यहाँ पे हमें 4 कैमराज मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले आपको मिल जाएगा 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का टेलीफोटो लेंस, 48MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलता है 5MP का कलर फिल्टर लेंस। और दोस्तों, आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे की ओर, काफी बढ़िया कलर अभी यहाँ के आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ, बैक में और फ्रंट में दोनों साइड। तो दोस्तों, अभी जैसे मैं अभी फोन आपको दिखाता हूँ पीछे की ओर से, तो आपने देख ही लिया कैसा लग रहा है फोन। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं आगे की ओर बात करूं तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 6.78 इंच का फुल स्क्रीन HD क्वाड HD प्लस स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट की ओर दोस्तों आपको मिल जाता है 16MP का सेल्फी शूटर, और इसके साथ भी हमने काफी फोटोज लिए हैं दोस्तों। हम आपको बाकी पूरे डिटेल जो मेरा रिव्यू होगा वहां पे जरूर दिखाएंगे पूरा डिटेल, बट इस वीडियो में दोस्तों आपको बस एक बेसिक हाईलाइट क्या है इस फोन का और क्या क्या इसके फीचर्स है उसके बारे में हम जानकारी देना चाह रहे थे। और दोस्तों, अगर मैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ऊपर की ओर आपको यहाँ पे जो प्राइमरी नॉइज, ये आपका जो नॉइज कैंसलेशन माइक है वो मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे जो अलर्ट स्लाइडर है OnePlus के एंड से जो इनके फोन में आते ही है, अलर्ट स्लाइडर काफी हेल्पफुल रहता है अगर आप अपने फोन को साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड या फिर रिंग मोड में करना चाहते हो, तो इसके थ्रू बड़े आसानी से आप कर सकते हो। और दोस्तों, नीचे की ओर आपको यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन, और ये भी काफी बढ़िया सा फीडबैक देता है। अब जैसे नीचे की ओर अगर हम जाएं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइमरी स्पीकर्स और आपको जो चार्जिंग ट्रे है, यहाँ पे USB टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर बताना चाहूँ आपको कि 30W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी ये फोन सपोर्ट करता है। और दोस्तों, जो ये सिम ट्रे है, यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है और नो एक्सटर्नल स्टोरेज, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। और दोस्तों, एक और बात ये है, आपको यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अब हम अगर लेफ्ट साइड में देखें तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वॉल्यूम लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। वॉल्यूम का आप ऊपर नीचे कर सकते हो इन बटन्स के थ्रू, और ये भी काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया स्क्रीन क्वालिटी मिलती है, और खास बात इस स्क्रीन की ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिल जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट। जी हाँ दोस्तों, OnePlus के फोन में ये पहला फोन है OnePlus 8 Pro जहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। और दोस्तों, ये काफी कमाल, काफी स्मूथ है। भले आपको ये फोन में ना दिखे कैमरा में रिकॉर्डिंग करते टाइम पे, बट जब आप इस फोन को चलाओगे तो आपको काफी बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल जाता है 120Hz का। अब दोस्तों, एक और जो खास बात इस फोन में ये है, ये आता है दोस्तों MEMC सपोर्ट के साथ। जी दोस्तों, तो ये होता क्या है, जब आप कोई YouTube वीडियो प्ले करते हो या फिर आप कोई भी अपने फोन में कोई वीडियो प्ले करते हो, उस टाइम पे अगर आपके फोन में कुछ भी जितना भी फ्रेम्स पर सेकंड में आप अगर वीडियो प्ले कर रहे हो, तो उन फ्रेम्स पर सेकंड्स को दोस्तों ये ऑटोमेटिकली 120Hz में कन्वर्ट कर देता है, जिसके थ्रू आपको एक बढ़िया सा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम अभी आपको जस्ट दिखाते हैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करके, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे YouTube पे गया और यहाँ पे हम टाइप करते अपने चैनल का नाम बेहतरीन टेक, और एक दोस्तों हम अपना पुराना वीडियो देखते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी भी है
और कुछ टाइम के बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स स्टार्ट। TikTok का सफर तो इंडिया में यहीं तक था, और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है कि कौन कौन से एप्स बैन हुए इंडिया में, ऊपर दिए हुए कार्ड पे क्लिक करके आप बहुत बढ़िया सा साउंड क्वालिटी में दोस्तों आपको यहाँ पे बेहतरीन स्पीकर पर सपोर्ट मिल जाता है नीचे की ओर और ऊपर की ओर। दोस्तों कई सारे व्यूअर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप फोन चलिए अभी के लिए बस इतना ही दिखाते हैं दोस्तों डिटेलली, बाकी आप अगर आप फोन खरीद लोगे उसके बाद आप चेक कर सकते हो कैसा है क्या है। और अब दोस्तों अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 4510 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि जो फास्ट चार्जर है 30 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, वार्प चार्ज 30 टेक्नोलॉजी बोलते हैं वन प्लस अपने एंड से। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि काफी फास्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत जल्दी से फोन अनलॉक हो जाता है ये, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है दोस्तों कुल मिला के वन प्लस एट प्रो में जो भी कुछ खास इनके फीचर्स थे और जो भी अभी कंपनी ने ऑफर किया। और यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों जो कि वन प्लस के फोन्स में अभी तक ये फीचर रोल आउट नहीं हुआ था, यहाँ पे दोस्तों वन प्लस एट प्रो में आपको मिलता है IP68 का वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन, जिसके थ्रू दोस्तों आप बड़े आराम से इस फोन को यूज कर पाओगे अपने कहीं भी, आप अगर पानी में भी अगर इसको गिराते हो तब भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ IP68 का सर्टिफिकेशन है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों एक और बात है जो कि अभी हमें काफी जो प्रीमियम फोन से वहां पे देखने को मिलती है, वो है दोस्तों वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे वन प्लस के एंड से इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फीचर इसका ऑन करना होता है रिवर्स चार्ज का, तो जैसे ये ऑन हो जाता है हम यहाँ पे अभी प्लेस करके देखेंगे मेरे जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स है उसको प्लेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने इसको प्लेस किया अब देखिए तो यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गया जिसका मतलब चार्जिंग हो रही है इस सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास फोन से जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तब आप आसानी से इस वन प्लस एट के थ्रू अपने फोन अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। तो जैसे आप अभी मैं देखता हूँ यहाँ से इसको हटाया तो अभी फिर से हम अगर प्लेस करते हैं तो देखिए वहां पे लाल लाइट जल रही है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बढ़िया से चार्ज वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी करता है। और अगर आप इस फोन को खरीदोगे तो ये आप इसको भी इस फीचर को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत क्विक टाइम में हमने OnePlus 8 Pro को अनबॉक्स करके दिखाया, और साथ ही साथ जो इसके हाईलाइट फीचर्स है दोस्तों वो दिखाया आपको इस वीडियो में। और दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, आने वाले वीडियोस में हम इसके डिटेल इसके पूरे पूरे जितना कैमरा कंपैरिजन है और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस का OnePlus 8 Pro देता है उसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम Galaxy S20 Plus के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे OnePlus 8 Pro को, और देखेंगे कि कौन सा डिवाइस अच्छा परफॉर्म करता है और कौन सा डिवाइस ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। और बस इतना ही आज के लिए दोस्तों।